हेलो गाइस, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। हाउ आर यू फ्रेंड्स? टुडे वी सी चैप्टर 19 ऑफ 10th क्लास हिंदी। वसंती, सन्नाटा। सन्नाटा, वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 19 सन्नाटा का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर फर्स्ट, कवित्री को प्रदेश में कैसा अनुभव होता है, ठीक है। कवित्री को प्रदेश में कैसा अनुभव होता है, इसका आंसर देखेंगे। कवित्री को प्रदेश में अकेलापन का अनुभव होता है। कवित्री को प्रदेश में अकेलापन का अनुभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू, जलता हुआ बल्ब सन्नाटे में कैसा लग रहा है। जलता हुआ बल्ब सन्नाटे में कैसे लग रहा है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, जलता हुआ बल्ब आंखों में ठहरा हुआ आंसू जैसे पलकों पर लटक गया है। जलता हुआ बल्ब आंखों में ठहरा हुआ आंसू जैसे पलक पर लटक गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री, तुम्हारी विरासत कवित्री के पास क्या शेष बचा है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, तुम्हारी विरासत कविता में कवित्री के पास बची हुई जिंदगी का एक टुकड़ा शेष बचा है, ठीक है। तुम्हारी विरासत कविता में कवित्री के पास बची हुई जिंदगी का एक टुकड़ा शेष बचा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर, स्मृतियों की आहट से क्या अनुभव होता है, ठीक है। आंसर देखेंगे, स्मृतियों की आहट से हमें नई जिंदगी जीने की सुबह का अनुभव होता है। स्मृतियों की आहट से हमें नई जिंदगी जीने की सुबह का अनुभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। दीर्घ उत्तरी का फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द समूह खो गया है, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। हमें यहाँ पर पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। इसका आंसर देखेंगे, शब्द समूह खो गया है, पंक्ति का भाव यह है कि आज अकेलापन चारों ओर फैल गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, जलता हुआ प्रश्न चिन्ह किसे कहा गया है और क्यों, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, जलता हुआ प्रश्न चिन्ह अकेलेपन और उदासीपन को जलता हुआ चिन्ह कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री, सन्नाटा कविता का सारांश अपने शब्दों में दीजिए, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे, इस प्रस्तुत कविता सन्नाटा में आत्म पीड़ा और आत्म कष्ट को व्यक्त किया गया, ठीक है। इसमें आत्म पीड़ा और आत्म कंठा को व्यक्त किया गया है। कवित्री ने प्रदेश का भाव किसी से न जड़कर अलग है। कवित्री ने प्रदेश का भाव किसी से न जुड़कर अलग है। इसे सामने लाने का प्रयास किया है। इसीलिए ऐसा लगता है कि एक पूरा का पूरा शब्द समूह खो गया है।
हवा बेजुबान हो गई है, हवा बेजुबान हो गई है, आकाश बहरा हो गया है, आकाश बहरा हो गया है, आंखों में ठहरा हुआ आंसू पलकों पर लटक गया है, आंखों में ठहरा हुआ आंसू पलकों पर लटक गया है। ठीक है, यह इस कविता का सारांश है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कवित्री अंधेरे से क्या छीन कर लाई है, कवित्री अंधेरे से क्या छीन कर लाई है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कवित्री अंधेरे से बची हुई जिंदगी का एक टुकड़ा छीन कर लाई है। कवित्री अंधेरे से बची हुई जिंदगी का एक टुकड़ा छीन कर लाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। कवित्री सन्नाटा से बिल्कुल भयभीत नहीं है, कवित्री सन्नाटा से बिल्कुल भयभीत नहीं है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कवित्री सन्नाटे से बिल्कुल भयभीत नहीं है, यह इसलिए कि उसे सुबह की नई किरणों से जिंदगी में नए आहट आने की पूरी आशा है, यह इसलिए क्योंकि उसे सुबह की नई किरणों से जिंदगी में नए आहट आने की पूरी आशा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तुम्हारी विरासत कविता हमें क्या संदेश देती है, तुम्हारी विरासत कविता हमें क्या संदेश देती है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। तुम्हारी विरासत कविता का संदेश है, तुम्हारी विरासत कविता का संदेश है निराशा के घोर अंधकार, निराशा के घोर अंधकार अपने भीतर आशा की एक किरण अवश्य प्रकाशित कर लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कवित्री ने अपनी तुलना जले हुए कोयले से क्यों की, कवित्री ने अपनी तुलना जले हुए कोयले से क्यों की। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कवित्री ने अपनी तुलना जले हुए कोयले से की, कवित्री ने अपनी तुलना जले हुए कोयले से की, यह इसलिए कि उसकी राख में एक नन्ही सी मूर्ख चिंगारी तिड़कने का खामोशी से इंतजार कर रही है, उसकी राख में एक नन्ही सी सुर्ख चिंगारी तिड़कने का खामोशी से इंतजार कर रही है। ठीक है, भाषा अनुशीलन। ठीक है, अब हम भाषा अनुशीलन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। भाव सौंदर्य लिखिए, भाव सौंदर्य लिखिए। ठीक है, आँख में ठहरा हुआ आंसू पलकों पर लटक गया है, आँख में ठहरा हुआ आंसू पलकों पर लटक गया है। ठीक है, इसका सौंदर्य भाव देखेंगे। इसका आंसर, उपयुक्त पद्यांश की भाव योजना बिंबात्मक है, उपयुक्त पद्यांश की भाव योजना बिंबात्मक है, आँखों में ठहरा हुआ आंसू पलकों पर लटक गया है, आँखों में ठहरा हुआ आंसू पलकों पर लटक गया है, द्विविधा और अनजान की स्थिति को उजागर करने में अधिक रोचक लग रहा है, द्विविधा और अनजान की स्थिति को उजागर करने में अधिक रोचक लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आशय स्पष्ट कीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए, बची हुई जिंदगी का एक टुकड़ा। ठीक है, बची हुई जिंदगी का एक टुकड़ा, आंसर देखेंगे। उपयुक्त पद्यांश का आशय है जिंदगी में कुछ नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं है, फिर भी जो कुछ थोड़ा है वही बहुत है, फिर भी जो कुछ थोड़ा है वह बहुत है। सेकंड, स्मृतियों के पदचाप, स्मृतियों के पदचाप। ठीक है, उपयुक्त पद्यांश का आशय है यादों के लौट आने के प्रति आशावान बनकर एकांकी जिंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है। ठीक है, यादों के लौट आने के प्रति आशावान बनकर एकांकी जिंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध वर्तनी, ठीक है, शुद्ध वर्तनी, मूर्ख, खामोशी, आँख,
स्मृतियाँ, खिड़कियाँ, बल्ब, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी है इनको शुद्ध वर्तनी करना है। मूर्ख, तो हम मूर्ख इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, शुद्ध वर्तनी में इस प्रकार से लिखेंगे। खामोशी, खामोशी को शुद्ध वर्तनी में खामोशी लिखेंगे, ठीक है। आँख, तो आँख लिखेंगे, ठीक है, इसमें चंद्रबिंदु चढ़ाना है। खिड़कियाँ, ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना है खिड़कियाँ। बल्ब, तो हमें शुद्ध वर्तनी में लिखना है बल्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, अंधेरा, स्मृति, आदि, आस्था, ठीक है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। अंधेरा, अंधेरा का विलोम शब्द रहेगा उजाला, ठीक है, अंधेरा का विलोम शब्द रहेगा उजाला। स्मृति, स्मृति का विलोम शब्द रहेगा विस्मृति, ठीक है। आदि, आदि का विलोम शब्द रहेगा अंत, ठीक है, आदि का विलोम शब्द अंत। आस्था, आस्था का विलोम शब्द रहेगा अनास्था, ठीक है।